सुहेल वड़ाइच ने अपने तज़िये में बताया कि बेशक इलेक्टेबल्स इमरान खान के पास जा रहे हैं और ऐसा रुझान साउथ पंजाब में ज़्यादा है, लेकिन पीएमएलएन अभी भी सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। उनका कहना था कि लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला जैसे शहरों में इलेक्टेबल्स की सियासत बहुत कम है और ये तीन तीन शहरों में नवाज शरीफ का तूती बोलता है। इन तीन शहरों की कुल नेशनल असम्बली की सीटें लगभग 30 होंगी, जिसमें नवाज शरीफ या पीएमएलएन 20 से 22 तक जीत सकते हैं। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि इन तीनों शहरों में इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो पीएमएलएन को हरा सके, क्योंकि यहाँ पे सारे का सारा वोट बैंक नवाज शरीफ का है। लिहाजा इमरान खान इन शहरों में इलेक्शन से पहले एक माहौल बनाने की ज़रूरत है, वही माहौल जो उन्होंने 2013 के इलेक्शन में बनाया था।